हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम एक आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसा आपके सामने है, यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा, यह कंपनी द्वारा आईपीओ अपना अनाउंस कर दिया गया है। तो आज इस कंपनी की बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। और अगर आप इस तरह के रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो पाए, पॉसिबल रहा, उतनी जल्दी आपके सामने उस वीडियो को रखेंगे। हाँ जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड 2005 में इस्टेब्लिश और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, बुकिंग फैसिलिटी फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर को, कि अगर कोई भी पर्सन यात्रा करना चाहता है तो उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, बुकिंग फैसिलिटी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। तो उसमें काफ़ी तरह के आते हैं कि एक तरह के नहीं, किस किस तरह के यहाँ पे अवेलेबल है। सर्विस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, एयर टिकट, होटल बुकिंग टिकट, होम स्टे, हॉलीडे पैकेज, बस टिकट, रेल एक्टिविटी और इन तरह की है, एंड अदर जो भी एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड ये रहता है। और यात्रा ऑनलाइन हैज कॉन्ट्रैक्ट विद 14,000 होटल्स एंड होम स्टे अक्रॉस 1,400 सिटी। जी तो ये आप देख सकते हो कितना फैला हुआ है ये। तो इसके बारे में ये डिटेल थी, आप पढ़ सकते हैं बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और अब हम आईपीओ की ओर बढ़ते हैं जी। आईपीओ से रिलेटेड डिटेल, तो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने जो प्राइस रेंज फिक्स किया है वो है 135 से 142। और जो मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,175 है, मैक्सिमम 1,53,830। मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी की बात करें, मिनिमम 105 और मैक्सिमम 1,365। कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक। टाइमिंग क्या रहेगी? 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें, 1 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर अलॉटमेंट की बात करें, अगर शेयर इशू होते हैं तो अलॉटमेंट उनका रहेगा 25 सितंबर, अगर नहीं रिसीव होते या नहीं इशू होते तो रिफंड आपका रहेगा 26 सितंबर तक। और शेयर ट्रांसफर रहेंगे टू डीमेट अकाउंट में तो वो 27 सितंबर तक, और उनकी लिस्टिंग होगी 29 सितंबर तक। जी तो ये थी आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। और उसके बाद प्रोस्पेक्टस कंपनी का, ये आप देख सकते हो कंपनी से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पे, कौन इनके पार्टनर हैं, कंपनी की पूरी डिटेल, फाइनेंशियल, लीगल, ऑफर, तो ये सब पूरा यहाँ पे दिया गया है। ये आप देख सकते हो पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे फ्लाइट, होटल, हॉलीडे, बस, विलेज, वीज़ा, और यहाँ पे कैब, गिफ्ट वाउचर, ट्रेन, क्रूज, फ्लाइट, एडवेंचर, एक्टिविटी, ये यहाँ पे पूरा दिया गया है। जिस किसी भी तरह की अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरा उनके बारे में जो डिस्टेंस है, कौन सी डेट को अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग है, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे मान लो दिल्ली से बॉम्बे है, राउंड टिकट वन ट्रैवल की वन प्रीमियम इकोनॉमी, तो सर्च किया तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल आ जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं उनसे रिलेटेड। जी तो यहाँ पे ये देखिए कि ये एयरलाइंस है, इतने से इतना टाइमिंग रहेगा, नॉन स्टॉप है या बीच में ब्रेक लेके, ये लगातार नॉन स्टॉप है और यहाँ पे वन स्टॉप है। और बुक ना हो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ बुक कर सकते हो, कितनी टिकट अवेलेबल है पूरा दिया गया है, ये यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। जी तो ये थी बेसिक डिटेल आईपीओ से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक आपके साइड से रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो पॉसिबल रहा
जरूर जल्द से जल्द आपके टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। और अगर आप IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जो भी रजिस्टर्ड थर्ड पार्टी स्टॉक ब्रोकर ऐप है उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।